Yeah.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
बलम कृष्ण सर्वे संतु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भावने हरिओं शांति 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 ओम कहो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेविर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषा हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। अब ये कह दिया हाँ आप मुझे ये बताइए मेरे राज्य में पक्षी कितने हैं। सरकार ये तो बड़ी मामूली बात है पर जिन्होंने प्रश्न आपका है नहीं इन आठ रत्नों का है तो इसमें थोड़ी सी जो है इंक्वायरी चाहिए। मैं भी बताने को तैयार हूं मैं बताने को तैयार पर अभी इधर थोड़ी सी इंक्वायरी चाहिए। हाँ पक्षी तो मैं पूरे बता सकता हूं हाँ लेकिन कुछ पक्षी अपने गए हुए हैं मामा के घर में और कुछ पक्षी बाहर से यात्री बनकर या मेहमान बनकर आए हैं। मुझे इतना बता देने चाहिए कि कितने पक्षी मामा घर में गए हैं और कितने यात्री बनकर यहां आए इतना मुझे बता दीजिएगा बाकी मैं घटा के बता दूंगा। इतने शर्मिंदा हुए अब ये पूरी गिनती तब होना जो हमारे में से कुछ गए हैं और कुछ बाहर से भी आए हैं ये तो हमेशा होगा ही। कुछ यहां से जाएंगे कुछ बाहर से आएंगे वो पता लग जाए बाकी नफी कर लो इतने आपके यात्री हैं। अकबर उठा और छाती से लगा लिया। वो बहुत ही नादम हुए बहुत लज्जित हुए बहुत ही अब पैरों के से धरती निकली ये कैसे बताया जा सके। तो अगर ये नहीं बताते तो मैं पूरी संख्या कैसे बताऊं। शाबाश अब ये कोई कहे इतने गुण तो फला ऋषि ने बताए इतने गुण फला ऋषि ने बतलाए इतने गुण फला ऋषि ने बतलाए इतने गुण सारों को जमा कर ले हाँ जमा करने के बाद कहे भगवान के इतने गुण है सरकार 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 और जब भगवान ने अवतार लिया था वो गुण कितने लेके आए थे और जब अवतार समेटा तो कितने गुण लेके वापस निकल गए बाकी क्या रह गया फिर हम शर्मिंदा हो जाएंगे। अवतार लेके आए थे तो अनेक गुण अपने साथ लाए गए तो अनेक गुण अपने साथ लेके चले गए और फिर उनके साथ नर नारायण का रूप था अर्जुन तो फिर अनेक गुण वो भी लेके चला गया बाकी कितने रह गए ये बताना मुमकिन है। भगवान अचिंत्य है उनको हम कभी भी अपनी बुद्धि उनके गुणों को बुद्धि मिला सकते जिस जिसने भी कोशिश की उसने मुंह की खाई। भगवान की गिनती भगवान के गुणों की गिनती कभी हो सकती है भगवान के जो है क्वालिटीज को लेगा आ ना कभी नहीं हो सकता। ये देखिए मेरी कौन कौन से अपील करती है भगवान के गुण। मैं बात करता हूं सगुण साकार की मैं बात निर्गुण निराकार की नहीं कर रहा। ध्यान देना जरा चर्चा चल रही है सगुण साकार ना की चर्चा चल रही है निर्गुण निराकार की। निर्गुण निराकार के लिए जबान नहीं खोली जाती निर्गुण निराकार के लिए समाधि लगाई जाती है। दैट इज टू बी फेल्ट टू बी रियलाइज नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड नॉट टू बी कन्वर्स्ड। वो कन्वर्सेशन का विषय नहीं है वो वार्तालाप का विषय नहीं है। दैट इज टू बी रियलाइज वो हमारे मन का विषय है वो हमारी समाधि का विषय है। यह है सगुण साकार की जो भगवान सगुण है विद क्वालिटीज है और इनकॉर्नेशन जिनका होता है साकार होता है जिनके लिए मेरे भगवान कह रहे जन्म कर्म चमे दिव्यम मेरे जन्म और कर्म दिव्य है और मैं जीवों का कल्याणार्थ एक अलौकिक मेटाफिजिकल रूप में अवतरित होता हूं। बात उनकी हो रही है बात उनके लिए हो रही है। अर्जुन के उस पहलू को लिया जा रहा है बारहवें अध्याय में भगवान आपने दो अपने रूपों का वर्णन किया एस्पेक्ट आपने दो है सगुण और साकार इन दोनों में आसान कौन सा है। तो भगवान एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो सगुण का है गॉड विद फॉर्म एंड विद क्वालिटीज गॉड विद फॉर्म एंड विद क्वालिटीज। तो विद क्वालिटीज हाउ मेनी क्वालिटीज ओ इसका कोई जवाब नहीं हाउ मेनी क्वालिटीज और कोई जवाब नहीं इनकाउंटेबल इनकाउंटेबल ये अगणित है इनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने काउंट कर लिया तो फिर तो भगवान मौजूद हो गए
और जिसने काउंट किया वो लामदूत बन गया। ये कभी हो सकता है कि बोले वाले छोटा सा लटूनी लामदूत बन जाए और जो जन्म देने वाला है वो मादूत हो जाए? ये कभी नहीं हो सकता। उल्टे बात बरेली को, ये नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने में कभी ना कहना कि फलाने गुण, ना ना, भगवान अचिंत्य है, भगवान बुद्धि और मन के चिंतन में नहीं आ सकते। पर इतना चिंतन हो जाता है जिससे कि मन बुद्धि पूरी हो जाती है। आप तो बाल्टी ले गए थे कुएं के ऊपर, कुएं में कितना पानी है, क्यों ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हो? फत्तू कहीं का घंटा खड़ा रहा वहां पर, अब उधर से गए लटकन, हाँ कब से आया? 11 बजे का, अब का टाइम है 12:30, पिट्टे मुंह तेरा। अरे हाथ हमें पानी भरने दे। मैंने पानी भरन दे, क्यों भरता क्यों नहीं? मैं ये देख रहा हूँ जाति मार के, हाँ इसमें कितना पानी है, कितना पर छलांग मार, फिर छलांग मार के, गोता मार के देखा कितना पानी है, छलांग मारा, हाँ ऊपर से खड़ा होकर नहीं देख सकता, क्या क्या देखेगा? पर तुझे लेना देना क्या है? तू बाल्टी नीचे गिरा और भर के बाहर दे, हमें भरने दे। तुझे तो अपनी बाल्टी से मतलब है, तेरी बाल्टी में जितना पानी आ गया आटा घुस जाएगा, सब्जी पक जाएगी और तू पी भी लेगा, तेरी रसोई का काम सारा हो जाएगा, झट जाओ जा। यार बात तो ठीक है, मुझे रसोई के लिए बाल्टी भर काफी है, यही कहावत हमारे देश में मशहूर है। आपको आम खाने हैं न के पेड़े गिनने हैं। आखिर में आशीर्वाद दे के कह रहा हूं, पुत्र हमें तो आम खाने हैं, पेड़े पेड़े नहीं गिरने, के इसमें 40 पेड़े हैं और वो सीधे हैं, 90 के एंगल में है कि टेढ़े मेढ़े हैं। हमें तो आम खाने रस लेना है, हमें तो भगवान के का रस लेके तलीन हो जाना है, हमें भगवान के सारे गुणों से क्या करना। जो पेड़े गिनते रहे सौरे वो आम ना खा सके, और जिन्होंने आम खाए उन्होंने पेड़े गिनने। जिस पर हम लोग कई दिनों से विचार करते रहे, कल महाराज जी के आपार के पास संपूर्ण हुआ था। अब आगे बढ़ेंगे 10वें श्लोक की ओर, यहाँ हमारे हजूर अपने श्रीमुख से बताएंगे। लीजिए एकाग्रता पूर्वक नया प्रसंग। कल्याण काले मनसा स्लैम भक्ता युक्ता योग बलचाय भो मध्य प्राणम आवेश समेतम परम पुरुषम उपायति दिव्यम हरिओं तत् हरिओं तत् हरिओं। जो भक्ति करे योग से मुस्तकिल, जो मरने पे रखता है मजबूत दिल, प्राण अपने दो आबरू में जमाए तो पूर्ण उर आली पुरुष को पाए। अब एक प्रश्न अर्जुन का और रह गया, जब जीव सही छोड़ता है अंत समय तो किस प्रकार उसकी गति होती है, भगवान किस शिष्य को अब जहां सपूर्ण करेंगे। भक्ति से युक्त होकर अचल मन से और ऐसे योग बल से, महाराज जी कहती है अंत समय, इसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जाता अंत समय कब आ जाता है। हमारे ऐसे रफ मन में रखा होता है कि जब हम बूढ़े होंगे, और हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देख रही है, जवान जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, प्रौढ़ जा रहे हैं, मतलब हर आयु में जीव जा रहे हैं, हर अवस्था वाले जा रहे हैं। ये नियम न ठहरा कि हमने जरूर बूढ़े होकर मरना है, कोई पता नहीं किस वक्त कब आयु खत्म हो जाए। भले ही आयु निश्चित है पर कब खत्म हो जाए इसके विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मन को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें हर समय अपने वृत्ति महाराज जी में लगाए रखनी चाहिए। वैसे हजूर ने बता दिया है कि जो मैंने तरीका बताया, इस तरह जो अपने मन को एकाग्र रखते हैं, यह आपका परम धर्म होगा, क्योंकि हम सब वही जीव जहाँ आके एकत्रित होते हैं जो अपना कल्याण चाहती है, कल्याण कामी जीव ही यहाँ पर भगवान की प्रेरणा से आके बैठते हैं। अगर हमारे मन में कल्याण की तमन्ना है जैसा है, तो हमारे लिए परम धर्म हो जाएगा कि हम लोग अपने आप को पूर्ण रूपेण महाराज जी की स्मरण और चिंतन में रखें। जितना भी मेरी माताओं बच्चों से मन पड़े, भले हम घर में हो या घर से बाहर, भले ही भगवान जी हमसे किसी प्रकार की कोई क्रिया ले रही हो, लेकिन जहां तक मन का सवाल है हजूर के चरणों में। महाराज जी ने मुझे और आपको जब बहुत बढ़िया पाठ पढ़ाया है, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर, माँ अनुसमर युद्ध से, बहुत ही अच्छा पाठ, बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही गुणकारी। आप अजमा रहे हैं, भगवान आपको और भी श्रद्धा भक्ति लगनता प्रदान करें, आप इसको और भी अधिक आजमा सके और जीवन में पूर्ण रूप से उतार सके, अपने दैनिक जीवन में और दैनिक व्यवहार में इसे ला सके। इससे बढ़कर के और कोई पाठ नहीं हो सकता, मौत की तैयारी इससे बढ़कर नहीं सकती। वृत्ति मालिक में लगी रहे,
जो कि सारे जहान की सच्चाई है। इस सारे जहान कहते खुद भगवान जी, इस सारे जहान का सार भगवान जी, इस सारे जहान का रूट काज भगवान जी, इस सारे जहान का रूट काज। जैसे हम समय कहती है हमारे घर के परिवार का रूट काज कौन है? पिताजी। पिताजी ने ही अपने आप को एक्सटेंड किया, इससे भगवान ने ही सारे संसार को एक्सटेंड किया है। उत्पत्ति करके स्थिति भी उनके कारण से है, परलय भी उनके कारण से है। तीन बातें हो रही है संसार में, उत्पत्ति स्थिति और परलय। भगवान पैदा करती है, पालती है और फिर परलय भी कर देते हैं, अर्थात सबका जीवों का संहार भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब करने वाले वही मन में आते हैं, कोई वस्तु टिक नहीं रही, आ रही है जा रही है। हम क्षणक्रम में देखती है, कोई किसी वस्तु को टिकाव नहीं है, सब मौत के मुंह में जा रही, तो किसी वस्तु को टिकाव होगा? भगवान जी जो इस सृष्टि के मुख्य कारण है। सुन लीजिए मेरी माताओं बच्चियों, ऐसी विचारधारा बनाया करें कि जब सारी चीजें जा रही है, क्या प्राणी क्या पदार्थ, सब क्या क्या स्थावर क्या जंगम क्या चर क्या अचर, सब जा रही है, कोई वस्तु टिकी भी होनी चाहिए जरूर। सारे खिलाड़ी खेलती है खेल के मैदान के अंदर, कोई टिका हुआ होना चाहिए जरूर। रेफरी जो बहुत बड़ी स्टूल के ऊपर सबको देख रहा और खड़ा हुआ और हर एक खिलाड़ी को चार चार आंखों से निहार रहा, वो खड़ा है। इस संसार का रेफरी भगवान जी जो त्रिलोकी को घूमता हुआ देख रहे हैं और अपने श्रीमुख से कह रहे हैं वो सब अस्थियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे, वो रेफरी, वो विटनेस, वो साक्षी इस सारे संसार को चला रही है। मेरी माताओं बच्चियों, बुजुर्गो और भाइयों, ये भाव अपने मन में रख करके मेरे चिंतन में वो रहेंगे जो सृष्टि के कारण है। जैसे हमने अपने आप को आचार्य और गुरुदेव जी की महती कृपा के फल स्वरूप समझा लिया, आप भी अपने मन को समझा लीजिएगा। मन को समझाने से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं, कोई उपदेश नहीं। ये जितना भी उपदेश हमारे सुबह शाम यहाँ श्रवण करती है केवल मात्र मन को समझाने के लिए, मन को रास्ते पर लगाने के लिए, अपने मन को टीचिंग और प्रीचिंग देने के लिए। अपने मन को टीच कीजिएगा कि चिंतन कर मन, लेकिन प्रभु का चिंतन जो संसार के मुख्य कारण है। आपको प्यास लगी है, कहां तक वाजिब होगा नाली के गंदे पानी से प्यास बुझाना? अभी भी नहीं। और वो जो तालाब में खड़ा उस पानी गंदे पानी से बुझाना? कदापि नहीं। जबकि हमें शुद्ध निर्मल स्वच्छ और फिल्टर्ड नलके का वाटर मिल सकता है, हम क्यों गंदे पानी से बुझाए अपनी प्यास? शाबाश, बहुत अच्छे। इसी तरह जब हमें शुद्ध और पवित्र भगवान का चिंतन मिल सकता है, हम क्यों संसार के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से संबंधित गंदे और कलुषित विचारों से अपने मन को और भी काला और खराब करें? ये हम नहीं कर सकेंगे, ऐसा हम नहीं बना सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा अपने मन को समझाइए जैसे हमें महापुरुष ने समझाया कि जब शुद्ध पानी हो तो गंदे पानी से क्यों प्यास बुझाई जाए जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, राइट? इससे जब शुभ चिंतन भगवान का, जो भगवान युवाकर सारे जहान के कारण है, भगवान जो सृष्टि के कारण है, युवाकर चाहे हम राम कहें या कृष्ण कहें, भगवान जो सृष्टि के कारण है, सुन रख मेरी अच्छी मैया बेटी, भगवान जो इस संसार के कारण है, हम उनका थोड़ा चिंतन करें जिससे हमारा लोक बने, परलोक बने, अंतःकरण के संस्कार साफ हो जाए और हम अपने भगवान के निकट पहुंचे। हमारा लोक परलोक भगवान के चिंतन से बनता है। जो भी नेक जीव अपना कल्याण कर गए भगवान के चिंतन से, भगवान तो अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करते तो जितने बाकी चिंतन करेंगे या मोह से करेंगे या क्रोध से करेंगे या लोभ से या अहंकार से, इन गलती वृत्तियों कारण से अंतःकरण खराब होता है और खराब अंतःकरण बर्बाद होता है। ये मन में रख लीजिए, भगवान ने कहा है भगवान का चिंतन नहीं होगा तो लगाए जो महसूस अशिया से मन, क्या होगा फिर? जायल हुई अक्ल आया जवाल। ढंग से समझाइए अपने आपको, अगर मैं प्रभु का चिंता नहीं करता, अगर मैं प्रभु के ख्यालों में अपने आप को नहीं लगाती, फिर क्या होगा? नाम रूपों का चिंतन, इससे क्या होगा? उनके बार बार चिंतन करने से शुद्ध कर रहेगा, भगवान आपके विचारों को निर्मल कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है गीता सुनने और पढ़ने के पश्चात। भगवान जी ने यूं किया है जैसे कि हम लोग मानी कहीं सफर कर रहे थे, हमें कहीं सुथरा साफ पानी नहीं मिला, हमने पानी तो ले लिया नदी का लेकिन गदला था, पास हमारे फैक्ट्री थी, हमने गदला पानी इस बर्तन में रखा, फैक्ट्री के साथ डाल दिया, वो सारी मिट्टी लेके फैक्ट्री नीचे बैठ गई, पानी को हमने निखार लिया और पी लिया, मिट्टी सारी नीचे बैठ गई। इस तरह भगवान जी की गीता पढ़ने से पता लगा है
जगर महाराज जी के ज्ञान को या बदाती को ज्ञान के दाता भगवान को अपने मन में रख लिया जाए तो जन्म जन्मात्रों की हमारी मैल बह जाती है। आजमा रहे हो भगवान आपको और आजमाने का मौका दे। गदरे पानी को निर्मल करना है तो फटकड़ी चाहिए, फटके बीच में रख दो, सारा गंध जो है नीचे बह जाएगा, ऊपर पानी साफ है, निथार लीजिए, धीरे करके ले लीजिए। बस इस तरह अगर हम भगवान को या भगवान जी के ज्योति के ज्ञान को अपने अंतःकरण में संजो लेते हैं, अपने अंतःकरण में रख लेते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार खत्म हो जाते हैं। भूल ना सके होंगे आप और ना कभी भुला सकेंगे आप। यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं, जल भले हो अमल या बुरे हो अमल। महाराज जी का यह इलाही फरमान मैं और आप हमेशा याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया, इससे और हमें इससे बढ़ के और क्या होगा। कर्म हमारे हो रही है, कर्म का कर्म, धर्म का धर्म, जैसे कहा जाता है दवाई की दवाई, मिठाई की मिठाई है। ऐसी भी संसार में कुछ चीज है क्या? आंवलों का मुरब्बा, आंवलों का मुरब्बा, आंवले पेट की हर मर्ज के लिए बहुत ही कमाल के दवाई है। लेकिन चूंकि मुरब्बा है, खान की चाशनी में रखा गया है, मिठाई भी हो गई और दवाई भी हो गई। तो कहावत मशहूर है हमारे यहाँ, दवाई की दवाई, मिठाई की मिठाई, कहो क्या? आंवलों का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा। इसी तरह भगवान का फरमान, दवाई की दवाई, मिठाई की मिठाई, हमारा लोक भी बनता है, हमारा परलोक भी बनता है। जो हमारे कर्तव्य कर्म जो ऑब्लिगेटरी एक्शन है सजनों, और मेरी अच्छी मताओं बेटियों, वो भी पूरे होती है, साथ ही साथ परलोक बनता चला जाता है। कितनी बढ़िया बात हुई, कितनी शानदार बात हुई, लोक भी बना परलोक भी बना, दोनों बन गए। इससे बढ़ के लियाकत की बात नहीं है। हम अपने उन बेटी बेटियों को बहुत अच्छा समझते हैं जो सवेरे पढ़ के आती हैं, शाम को आए और उधर क्लास अटेंड करने चले गए, इवनिंग क्लास। हमारे पर बोझ नहीं है, ऐसे कर रही है, बीए कर रही है, प्राइवेट नाइट क्लास अटेंड करते हुए वो अपने खर्चे पर पढ़ जाते हैं, अर्निंग लर्निंग साइड बाई साइड। ऐसे बच्चे आपको बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी उपस्थित माताओं, कितनी वो बेटियां आपको प्यारी लगती हैं जो अर्न भी कर रही हैं और साथ साथ लर्न भी कर रही हैं। इस तरह भगवान को वो बच्चे बड़े प्यारे लगेंगे जो अपने संसार की एक्टिविटीज में लगे हुए अपनी लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा की जा रही है और साथ ही साथ अपने परलोक को भी बनाया जा रही है। मोस्ट लक्की आर दोस, मोस्ट लक्की वेदर ही आर शी, बड़ी लक्की है वो जो अपने लोक परलोक बनाने में भगवान जी के अनमोल कसर के अनुसार। मेरे कहने का मतलब गीता के मीडियम से अगर हम लोग अपने आप को बनाते जा रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है, वरना दिन तो रुक सकते ही नहीं है। दिन तो गुजरेंगे, सवेरे आएगा, सूर्य चढ़ेगा, अस्त होगा, सूर्य उदय और अस्त के अंदर अगर हम इस प्रकार का जीवन बना लेते हैं, वेल एंड गुड, वक्त तो गुजरेगा, आयु भी गुजरेगी, ये तो रुकने से रही। लेकिन इस इन बिटवीन टाइम के अंदर, यानी सूर्य उदय और अस्त के बीच में अगर हम भगवान के अनमोल कसर के अनुसार अपने मन को बना लेते हैं, बहुत अच्छे। घर हमने नहीं बदलना, परिवार हमने नहीं बदलना, अपने गली मोहल्ले हमने नहीं बदलने, अपने तन के अंगों को हमने बदलना। हमने हैरान होते थे इस मार्ग पे लगने पे बदल क्या जाता है। तन वही रहता है, गली वही रहती है, मोहल्ले वही रहती है, माला वही रहती है, पैरा फनीलिया वही रहता है, जनगिर इज चेंज। तो पता लगा हमारे दृष्टिकोण बदल जाते हैं, हमारे विचारों में तब्दीली आ जाती है, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग, हमारी आइडियोलॉजी, बड़ा भारी अंतर आ जाता है, समझी। हमारी विचारधारा में अंतर पड़ जाता है। पहले हमारी विचारधारा कंचन कामी कीर्ति को लेके थी, अब हमारी विचारधारा प्रभु को लेके है, महाराज जी को लेके है। भगवान मेरा और आपका तकिया कलाम है, भगवान मेरे और आपके अंतःकरण में विराजमान है। हम हर काम को करते हैं भगवान जी को साथ रख करके, हजूर को साथ रख करके। ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मुझे ऐसे प्रतीत हुआ, हमारे वक्त किसी दिन सब्जी बनती तो हमें पसंद नहीं आती। हाँ, अब भोजन तो करना, भूख लग रही है, भोजन करना है, भूख लग रही है। अम्मा कहती को तो मैंने सब्जी बड़ी अच्छी बनाई, मामू जी नहीं अच्छी लगती, तो फिर मैं क्या करूं। अच्छा अम्मा, मैं जैसे कैसे, ये एक अम्मा को आसान है कि हमारे शब्द थे, अम्मा जैसे कैसे मैं रोटी खा लूंगा, अगर तो कौली में थोड़ी सी माखी ले आ। हाँ, माखी खानी होगी, तो कहता मुझे सब्जी नहीं अच्छी लगती। अम्मा जो तुम अभी समझ ले, तो अम्मा माखी ले आती, माखी से हम जो है रोटी तो खुश्क होती है, रोटी मीठी नहीं, अगर माखी के साथ लगा के ग्रास को खाया जाए, बस मैं नहीं बता सकता अपनी एक जबान से कि बस बैठो हो जाता है। बहुत शानदार मजा आता है, बहुत रस आता है। मेरे कहने पर कहीं शुद्ध माखी लेना, पर शुद्ध माखी का मिलना नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है।
पतिदेव का मिलना तो आसान है, पर शुद्ध माखी का मिलना बहुत मुश्किल है। शुद्ध माखी के साथ तो बहुत अच्छा रहता है। इसी प्रकार अगर हम दुनिया के फराइज पूरे करते रहे भगवान जी को रख करके, तो हर कर्म मीठा हो जाएगा। हर क्रिया, हर ख्याल, हर विचार, हर अपना डिसीजन या इरादा बहुत मीठा, बहुत स्वीटी, बहुत स्वीटी। आजमा के देख रहे हो, भगवान आपको और भी आजमाइश का मौका दे। जैसे माखी के साथ लगाया गया हर ग्रास मधुरतर मधुरतम हो जाता है, मधुरतर मधुरतम। इस तरह हर हमारा विचार भगवान जी के साथ अगर हो तो जीवन मधुरतर मधुरतम। आजमा के देखिए, यही भगवान जी गीता जी बार बार कहती है। अगर आप पूछेंगे, ये कोई भी मेरे से पूछे, क्यों ही भगवान को साथ क्यों रखे, भगवान इस संसार का क्या हाल है, बी ऑल एंड ऑल ऑफ है, एंड ऑल बी ऑल एंड ऑल। महाराज जी को साथ रखना पड़ेगा, जैसे अजबरा में एक सेक्टर को साथ रखना पड़ता है। ए इज द कवर सेक्टर, अलजबरे में आपने किया हो, अब आप हिंदी में आ लिखती होंगी शायद, हमारे समय इंग्लिश में पढ़ाया गया तो ए होता था, ए इज द कवर सेक्टर इन अलजबरा। इसी तरह हमने अपने मन को मैं अचार्य ने समझाया, गॉड इज द कवर सेक्टर इन अवर लाइफ, नॉट ओनली इन अवर लाइफ बट इन द वर्ल्ड। परमात्मा कॉमन सेक्टर है, जरा ध्यान दीजिए, परमात्मा कॉमन सेक्टर है संसार के। मैं तो आजकल का हूं ना, आजकल के ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अलजेब्रा में बिना ए के सवाल निकलेगा, क्योंकि ए इज द कवर सेक्टर इन ऑल द फिगर इन ऑल द डिजिट, जितने भी आपके डिजिट है, जितने भी आपके फिगर है, अगर आपने बीज गणित के प्रश्न निकाले हैं तो जो पहला अंक होता है दैट इज कॉमन इन आई मीन टू से इंक्लूडिंग इन ऑल द डिजिट इंक्लूडिंग इन ऑल द फिगर, सो वी से दैट ए इज द कवर सेक्टर। इसी तरह गॉड इज द कवर सेक्टर, क्योंकि उन्हीं से संसार हुआ है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, अगर चाहे चाहे चाहे, अगर चाहे चाहे चाहे। भगवान कितना प्यार से कहती है, अगर चाहे उस खुदा का वसाल, क्या करूं, रख उसकी मोहब्बत का दिल में रखे। नाम रूप मोहब्बत का है हमारे अंदर, ये नहीं कि मोहब्बत करना किसी से जाके सीखना है, खासकर आप देवियां तो मोहब्बत का साकार रूप है, प्रेम स्वरूपा क्या नारी, नारी तो है ही प्रेम स्वरूपा, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव इज नथिंग बट लिव, वुमन इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, वुमन। अब शब्द अंग्रेजी के कहां से बना है, डब्ल्यू डबल ओ कर लो, डब्ल्यू डबल ओ, वो एट प्लस मैन, वो मैन, वो मैन, आदमी के प्यार का सकार रूप, आदमी के प्रेम का वो शब्द से वो डब्ल्यू डबल ओ, और आगे मैन वो मैन, ए उड़ा दिया गया, वो मैन बना दिया गया, यानी लेडी इज नथिंग बट दी एम्बॉडीमेंट ऑफ मैन लव। तो लव तो आपके पास है, लेकिन इट इज रॉन्ग डायरेक्टेड, आपने केवल मात्र शरीर के साथ लगा रखा है। आप इसको चेंज कीजिए, आप इसे बदलिए, इसकी ट्रांसफर कीजिए, हाँ शरीर के साथ नहीं, शरीर के बनाने वाले परमात्मा के साथ। जरा मेरा और आपका सफल होगा, इतनी सी गलती हमने जान ली, गलती ब्लंडर है ये, यानी भयानक भूल है, शरीर के साथ नहीं बल्कि बनाने वाले के साथ, जिसने शरीर को रचा है। न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं, बनाने वाले के साथ। भगवान का फरमा लीजिएगा, बेटी प्यार आप करना जानती है, बहुत अच्छा करना जानती है, नर को क्या प्यार करना आएगा जितना कि आपको प्यार करना आया, भगवान ने जन्म से ही सिखा दिया है, माँ के पेट से ही आपको ये घुट्टी पिला के पैदा किया है, प्यार करना आता है, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन है। जैसे यात्री यात्रा तो कर रहा है, लेकिन जहां जाना है उधर नहीं जा रहा, क्या रॉन्ग डायरेक्टेड कहीं और जा रहा है। काश कोई उसे बता देता, काश आपको कोई छोटी उम्र से बता देता कि ये प्रेम मखसूस है, रिजर्व है परमात्मा के लिए, हाय कितना अच्छा होता। अगर ये अभी बता समझ लीजिएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, शायद मैं अपनी जबान से बोल सकूंगा, बता भी नहीं सकूंगा, क्योंकि ये रियलाइज का विषय है, टू बी रियलाइज एंड नॉट टू बी कन्वर्स्ड एंड टू बी लेक्चर्ड। लेक्चर में कहां आ सकता है, इसे हम कन्वर्सेशन या वार्तालाप में भी नहीं ला सकते, ये विषय अनुभव करने का है। भगवान आपको अनुभव कराए, मेरे अच्छे सजनों और मेरी विचारशीला धार्मिक भक्तिमती नेक बेटियों, भगवान आपको मौका दे कि आप इसको समझ सकें, ढाल सकें और उतार सकें।
मोदी जी, जब हमने भी अपने आप को गुरुदेव की कृपा से ये समझाया कि संसार के जो आदि कारण है, रूट काज है वो कौन? भगवान। रूट काज ही सच्चाई है, रूट काज ही इमोर्टल है, रूट काज ही अविनाशी है। हाँ, बाकी सब क्या है? सब के सब नाशी है, सब मॉर्टल मॉर्टल मॉर्टल, सब मिट जाने वाले हैं। बका 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 या फना फना फना, एक महाराज जी की जात है जो बका। हमने हमने फना को नहीं चिंतन करना। अगर आप ये ना समझ सकेंगी बेटी, मुद्दत के बाद ये बात आपको ख्याल में आएगी, लेकिन आप प्रोस्टित किए बिना रह नहीं सकेंगे। बहुत भारी पश्चाताप करना पड़ेगा अगर आप इस समय न संभले तो, अभी न संभले तो। अगर आपने छावनी में सरकार ना गाड़ी बदली तो जी सरकार, फिर अमृतसर में जाके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जाना तो था सावनपुर, और जिस गाड़ी पे आप बैठ जाएंगे ये तो है अमृतसर की, या मानिए आपकी यह है वो जम्मू की, तो क्या बनेगा? वहां से लौट के आना पड़ेगा, जो ग्रंथ गाड़ी है। इसी तरह हमने मन की वृत्ति को रखना था वहां, रख दिया यहां। मुझे ऐसे प्रतीत होता है जैसे राम ट्रेन पे यात्री बैठ गया हो गलती से। इसी गलती को अज्ञानता कहती है, अविद्या कहती है, जिसको मेरे भगवान सर्वा भर के कह रहे गए, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। इस चक्कर से छूटिए और अपने आप को इस अवस्था में लाइएगा कि मैंने भगवान का चिंतन करना है। बस करो, चिंतन तो हमने करना है, चिंतन तो करना है, बिल्कुल भगवान का करेंगे, जिससे हमारा लोक प्रयोग बनता है और सारे संसार का कारण भी वही है। सब भरना तो बड़ी भारी धोखा है। आपने अमरूद खाया, खाया उसमें जो बीज है वो अपने हथेली पे रखो। हाँ, हथेली पे रख करके चलो जरा अमरूद के बाग में। हाँ, इतना बड़ा वृक्ष और उसके साथ इतने अमरूद लटक रही है, ये किससे पैदा हुए? इस छोटे से बीज से। हाँ, बड़ा भारी धोखा है। इस बीज से नशमो नुमा पा गया इतना भारी वृक्ष, इतना पलवित पुष्पित और फलित हुआ इतना वृक्ष, वॉट वो नारायण मिस्टीरियस। अगर हम इसको भूल जाती हैं, हाँ उसमें उलझ जाएंगे, और अगर हम बीज को याद रखती हैं, इसको देखते हुए भी नहीं देखेंगे कि भाई इससे इससे हुआ, इससे प्रस्फुटित हुआ है ये वृक्ष, असलियत तो ये है। इस तरह हमें भगवान जी कहती हैं, तू मुझे ना भूल, दुनिया में फिर राग द्वेष नहीं पैदा होगा। इससे ये सब कुछ हुआ है, उस नूर से, उस हजूर से, उस नूर से, उस हजूर से, उस परवरदिगार आलम सर्वेश्वर से सब कुछ हुआ, सब कुछ उसी से। तो कहे मुझको परमेश्वर की आमा, मैं किस परमात्मा की शरण लू? किया जिसने हस्ती का दरिया रामा, बहुत अच्छे। पर ये भाव आप बिठा लीजिएगा, अब विशेष कहेगा मैं भगवान जी की ओर से भेजा गया हूं तो यही बात समझाने के लिए। हमारी विचारधारा गलत है, हमने अपनी विचारधारा को संसारिकता में डाल दिया, हम संसार को ही सब कुछ समझती है। हालांकि संसार पूर्ण रूपेण प्रभु आश्रित है, संसार प्रभु आश्रित है। हम भिखारी से मांग रहे हैं मुझे दो रोटियां दे दे, कहता ना भाई मैं तो वहां से मांग के लाया, वो सदा व्रत है, वहां सदा व्रत खुला हुआ, तू जा और वहां से लेके आ, मैं तो वहां से लेके आया हूँ। हम एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे उस माल प्रकृति पर डिपेंड करती है। प्रकृति पांच तत्वों पर डिपेंड करती है, पांच तत्व तीन गुणों पर डिपेंड करती है, और तीन गुणों के पीछे भगवान की सत्ता। कमान कमान कमान, महाराज जी की सत्ता अगर हम गौर से देखें, आप मेरे से भी ज्यादा भगवान को कष्ट पकड़ लेंगे अगर थोड़ी सी विचारधारा बदले और बुद्धि के कुछ आवरण खोले। चले अपने ख्यालों की दुनिया में भगवान को रखूंगा, ख्यालों की दुनिया अर्थात मन, ख्यालों की दुनिया अर्थात अंतःकरण, ख्यालों की दुनिया अर्थात बुद्धि। मैं तो अपने भगवान को रखूंगी जो कि सारे संसार की सच्चाई है। सारे संसार की सच्चाई क्या है? भगवान जी, सच्चाई वो होती है जो हमेशा रहे, जो ठाई वो होती है जो थोड़ी देर बुलबुलों की तरह दिखाई दे और फिर ढूंढे जाने पर भी नजर ना आए, उसे जुठाई कहती है। देखो मैं कह रहा हूँ, जुठाई और सच्चाई क्या होती है? सच्चाई हमेशा रहेगी, उसमें जरा भर भी विकार और परिवर्तन ना आएगा। गुड गुड गुड। और जुठाई थोड़ी देर रहेगी, उसके बाद ढूंढे जाने पर वो ना मिलेगी। जुठाई थोड़ी देर के लिए, सच्चाई हमेशा रहती है। इसे जो हमें कहा जाता है, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से,
सच्चाई छिप नहीं सकती, अपने मन को समझाया कर। लाडो, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल हूबहू भले ही इस कलियों की तरह लगे, पर इतना हूबहू इसी तरह कटी होती है, लेकिन इनमें सुगंधी है और उनमें सुगंधी नहीं। इस पे भंवरा और तितली बैठेगी, उस पे कोई भी नहीं बैठेगा, मक्खी भी नहीं बैठकर गवारा करेगी। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जब ये सच्चाई की बात है, हम क्यों ना सच्चाई के चिंतन करें। हमारे देश का जब विधान बनने लगा, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 4 दिन लगातार इस बात पर चर्चा होती रही कि हम अपने देश का आदर्श उक्ति क्या रखें, देश का आइडियल। आपको तो खैर पता ही नहीं ना, आप तो कमाने ब्याने और अपने जैसे बच्चे बनाने और मकान के लिए प्लाट खरीदने और मकान बनाने में लगे रहते हैं, और हम लोग रिसर्च करते रहते हैं। 4 दिन लग गए थे ए लाडो, क्या कि अपने देश का, अपने संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल क्या हो, आइडियल अर्थात आदर्श उक्ति क्या हो, या आदर्श क्या, मोटो क्या हो। शायद आपको पता है या नहीं है, आज बता देता हूं। धन्यवाद कर देना मेरे, धन्यवाद कर देना, कहकर मेरा मन फूल जाएगा, जरा खुश हो जाएगा। हमारे संविधान, इतना बड़ा संविधान है अपना, जिसके अनुसार हमारे हिंदुस्तान की कंस्टिट्यूशन अपने ये शासन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संविधान है या हिंदी कंस्टिट्यूशन, इसका आदर्श क्या है। उन्हें एक बोल रखना था, आदर्श एक बोल, इसे बोलते आदर्श उक्ति या माटो, हिंदुस्तान के संविधान का माटो। 4 दिन बात मसा होता रहा, लगातार 4 दिन हिंदुस्तान की चोटी के महापुरुषों को बुलाया गया और आचार्यों को बुलाया गया, जो शास्त्रों में रिसर्च करने वाले हैं उनको दावत दी गई। बेटे दावत जहाज भेजे गए, बुला के लाओ फलाई जगह से। उन दिनों जो थे वो चोटी के संत थे, जो भारत की सबसे पहले प्रेसिडेंट हुए हैं, परमात्मा की कसम वो बिल्कुल संत पुरुष थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहने की बजाय अगर यू कहें संत राजेंद्र प्रसाद, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल संत। जब उन्हें पे दी गई, मानिए 8,000 या 9,000, उसमें 450 रुपए रख लिया। हाँ, ये क्या, मेरा खर्चा इतना ही है, बाकी देश के काम आना चाहिए। हाय रब्बा, सबसे बड़ा आदर्श। 400-500 रुपए लेती है, मेरी तो पत्नी है, मैं हूं, बच्चा है, बस मुझे और नहीं चाहिए। चंद्र के बाद पता लगा कि उसका बच्चा तरक्की कर गया, तो पूछा किसने तरक्की दी, फलाने ने, उसको बुलाया इंद्र प्रसाद ने, आपने मेरे बच्चों को तरक्की दी, इसलिए तरक्की दी है क्योंकि मैं इसका बाप प्रेसिडेंट हूं। गलत, मेरे सारे बच्चे हैं, आए ना आए पूरे शक की बात है। कितना संत पुरुष, कितना चोटी का एक धार्मिक पुरुष, पे दी जाती है इतनी ठुकरा देता है ना, मुझे उतना दरिद्र मेरे में गुजारा होना है। लड़कों को तरक्की दी जाती है, हटा देती है, मुझे नहीं चाहिए ना, मेरा लड़का इस योग्य नहीं है, शाबाश। तो वो भी बड़े डॉक्टर थे, बड़े रिसर्च स्कॉलर थे, आखिर में एक महापुरुष आए और थोड़ी देर रहे और चले गए, थोड़ी देर रहे, पता ही लग सका वो कौन थे। उन्होंने कहा मैं बताता हूं तुम क्यों अड़ रहे हो, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन का आप बड़े खुश हो जाओगे, हमारा जो आदर्श वाक्य है जिसको मुख रखा हुआ है और बाकी विधान बना हुआ है, बड़े मोटे शब्दों में वो ये है हमारे देश का संविधान का आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये हमारे उपनिषदों का फरमान है। पूरा फरमान तो था सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठ की नहीं। हमारे देश का संविधान का आदर्श उक्ति ये है, सत्यमेव जयते। आप देख लो हिंदुस्तान के हर बड़े बड़ों पर यही लिखा होता, सत्यमेव जयते, चाहे सच्चाई अपनाए सौरे ना अपनाए, पर सच्चाई रहेगी, चाहे लिखे रूप में रह जाए पर हमेशा सच्चाई रहेगी। छापे में करोड़ों बार छापा गया सत्यमेव जयते, हमेशा ट्रुथ इज एवर ग्रीन। अंग्रेजी में अगर इसका अनुवाद करो तो और कुछ ना करना, ट्रुथ इज एवर ग्रीन, हमेशा ट्रुथ ही ग्रीन रहेगा। आहा, धर्म की जड़ हरी और अधर्म की जड़ आदमी सड़ी ते
कल भी सड़ी चुके अधर्म की जड़ हुक्के की नड़ी। जो अधर्म की जड़ होती है वो हुक्के की नड़ी होती है। जयते, ये हमारे देश का आदर्श उक्ति, ये हमारे देश की जो आदर्श उक्ति रखी गई है जिसके आधार के ऊपर बनाया गया आगे संविधान बना, कंस्टिट्यूशन बना, तो सत्यमेव जयते। तो सत्य कौन है? परमात्मा। सत्य का मतलब और कुछ नहीं, सत्य होता जो हमेशा रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आने पाए, वो एक जात है परमात्मा। इस सारी त्रिलोकी में अगर सत्य क्या है? परमात्मा। तो जिसकी जो सत्य का पुजारी है उसका अर्थ होगा जो परमात्मा का पुजारी है, वह क्या कमी होगी? यही तो बात सारी गीता सुनने और सुनाने के बाद संजय ने आखिरी श्लोक में 18वें अध्याय में कहा, जा है कृष्ण आय हाय। सारी गीता का लुभे लुभाव मेरी बेटी, जिसने अपने सीनियर जिगर में अपने महाराज जी को रख लिया है, वही है कामरानिया, वही है चादमानिया, वही है खुश इंतजामिया, धन वही है, विजय वही है, ऐश्वर्य वही है, वैभव वही है, और उच्च कोटि की सुनीति वही है, अच्छी बुद्धि सुमति वही है। जहां है कृष्ण मेरे बाप, जहां भगवान जी है वह सब कुछ है, और जहां भगवान नहीं है वही हाल होगा जैसे कि लंका में रावण का हाल हुआ। सब कुछ होते हुए भी खाक में मिल गया, सब कुछ होते भी खाक में मिल गया। जिस रावण को ताना मार के अंगद ने कहा था, जबकि अंगद को उल्टी पुल्टी बातें रावण भड़काने लगा, बड़ी बुरी तरह करने लगा इंड्यूस, तो आखिर में कहेगा तुम मुझे अकल की बातें करते हो, कहे तुम अकल की वाली बातें हो, तो तुम अकल अकल क्या बकते हो? क्या रावण की शब्द अपने मन में रख लोगे? अरे नन्नी मुन्नी अंगद की शब्द मन में रखोगे जो अंगद ने ताना मारा रावण को? अरे अकल अकल क्या बकते हो, इसी अकल का तो रोना है, बाहर से तेरी ही थी अकल के इस लंका ने खाक होना। क्या कमाल के शब्द है, क्या हजब के शब्द है। हवाओं और फिजाओं ने अभी भी इसे प्रिजर्व किया हुआ है मेरे और आपके लिए। अकल अकल क्या बकते हो, इसी अकल का तो रोना है, बाहर से तेरी अकल के इस लंका ने खाक होना। अगर अकल में भगवान है तो मेरा पार, और अगर अकल में जहान अर्थात काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, चाहे वो एक पुरुष है, चाहे परिवार है, और चाहे कोई प्रांत है, मेरा गर्क, चाहे ऐसे हो भी कोई ना होगा, मेरा गर्क, जिसके नीचे सत्य नहीं है, जिसके नीचे भगवान नहीं है, उसके नीचे क्या होगा? जहान, और जहान में गंदी वृत्तियां है, शैतान, तो उसके बाद क्या होगा? वो आज भी सड़ेगा, कल भी सड़ेगा, वो तबाह हुआ। हिस्ट्री हमने पढ़ी है, जहां भी हमने देखा है बेईमानी चोरी, आखिर परिणाम क्या हुआ? वही हुआ जो होना चाहिए था। इसलिए सत्यमेव जयते जो अनादिकाल से ऋषियों ने पुकारा, समय समय में महापुरुष भी आए, यही बताते गए, यही बताते गए, यही बताते गए। लो ना पहली पातशाही का जयकारा मारिए, और क्या वो हर गुरुद्वारे से आवाज मारा करते थे? आज उनकी शब्दों की कदर ना करें, सच्चाई फिर भी सच्चाई है। क्या उन्हें कहा था? मंदी कमी नान का जद कद मंदा हो, मंदी कमी अर्थात जो असक्त है, जद कद मंदा ही होगा, चंगा तो हो नहीं सकता। मंदी कमी नान का जद काश काश काश, पहली पातशाही अनुभवी के इन शब्दों की कदर की जाती। सच्चाई तो कभी नहीं देखती कि ये कौन है और वो कौन है, दो और दो चार तो कभी ये नहीं देखेंगे, मुसलमान कौन, हिंदू कौन, और जैनी कौन, और फलाना कौन, दो और दो चार तो सच्चाई है, यूनिवर्सल है, आलमगीर है, हर एक पर लागू होती है। महापुरुषों के बोल ये नहीं जो मेरे और आपके लागू होंगे, दीज आर यूनिवर्सल। जो भी मंदे कर्मों में लगा आखिर में अपना नाश किया, और अपने अलगे पिछलों का भी नाश करके मरे। मंदी कमी नान का जद कद बंदा हो, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अनादिकाल से जयकारा लग रहा है, सत्यमेव जयते नान रितम, हमेशा सच्चाई की जीत होगी, झूठ की नहीं। अगर झूठ पनपेगा अपना नाश करने के लिए, अगर झूठ बड़े बढ़ेगा अपना नाश करने के लिए, हम लोग जो के कल्याणकामी है और भगवान की वाणी के लिए बड़े उत्साह और बड़े प्रेम के साथ भागे भागे आ जाते हैं, बड़े प्रेम के साथ दौड़ दौड़े आ जाते हैं। हाँ, अपने मन में इस बात को टिका ले, अपने मन में इस बात को रख ले, हाँ अब भगवान कहते हैं अंत समय कभी भी आए, ऐसे जीव का कभी नाश नहीं होगा, ऐसे जीव का कभी भी जो है तबाही नहीं होगी। अर्जुन सुन रख, मेरे भगत का कभी नाश ना होगा,
मेरा भक्त होगा ना नाश ना होगा फना। भगवान के भक्त कभी ना में भक्त अपने क्षति ना में भक्त अपने क्षति। जो पूर्ण रूपेण अपने मालिक में लग चुका है, पूर्ण रूपेण कह रहा हूं, मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के सच्चाई का पुतला बन के जो महाराज जी का प्यारा बन चुका है, अंत समय कभी भी आ जाए वो भगवान की जात में तलीन होगा। जिस लिफाफे के ऊपर आप सत्संग भवन का एड्रेस लिख चुके हैं, चाहे अंबाला नहीं दुनिया के किसी भी लेटर बॉक्स में डालिए, डिलीवर तो आकर आपके सत्संग भवन में ही होगा। दुनिया के एनी कॉर्नर व्हाटएवर, किसी भी कॉर्नर में आप उसे पोस्ट कीजिएगा, पोस्टेड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बी डिलीवर लेटर सूनर सूनर और लेटर इन सत्संग भवन। चूंकि आपने एड्रेस लिखा है सत्संग भवन का, इसी तरह जिसने अपने सीनियर जिगर में अंताकण में महाराज जी को अंकित कर लिया है, वो तो जी महाराज जी में ही तलीन हो जाएगा। क्या मैं और आप कभी भुला पाएंगे जो भगवान ने सिद्धांत बताया है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे मेरे पास पाए। अर्जुन जो प्राण देवों का मतलब प्राणी पदार्थ, जो प्राणी पदार्थों को याद करते रहती है, वो जन्म अहले किरदार में आके ली, ऐसे जीव ऐसे से घरानों में आते रहेंगे, गाओ धंधे धंधे करम ही करम, लेना ही लेना देना ही देना, बहुत ऊट पटांग होता रहेगा। मेरी माताओं बच्चियों बुजुर्गों और मेरे दाना भाइयों और कल्याण की तीव्र इच्छा रखने वाले मेरे बच्चों, सिद्धांत आइए लगाई थी लो जिससे हाथ लो, वो हम अभी अपनी जिंदगी में देखती हैं। आपको क्या मिला, वो ही मिला जिसका आपने चिंतन किया, जिसकी आपने इच्छा की। जो आपको मिला वो मुझे नहीं मिला, मैंने उसका चिंतन ही नहीं किया, मैंने जिस जिस चीज का चिंतन किया गुरुदेव साक्षी है मुझे वही मिला, आपने जिस चीज का चिंतन किया आपको वही मिला, आहा जो आपने चिंतन किया आपको वही मिला। देख लीजिए अभी मैन किंगडम है, जहां भी इंसान रहती है उन वहां पर एप्लीकेबल हो रहा है। ऐसी डिमांड सो सप्लाई, यू डिमांड एंड यू हैव इट, भगवान ने खुद भी कहा है, महाराज जी ने खुद प्रतिज्ञा किया गीता जी के अंदर, आप जानते हैं, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए, जहान मांगे जहान पाए, और अगर मुझे मांगे तो मुझे पाए, महाराज जी का नियम है, हजूर के अनवर का नियम है, आप याद रखना। अब आप पर है, जहान और भगवान में मुकाबला कर लीजिएगा, किसका चिंतन करना है, जहान का घाटे में रहोगे, चूंकि जहान एक जैसा रहता नहीं, जहान में तब्दीलियां आती हैं, जहान ने आज तक किसी को फुल सक्षम दी नहीं, दे नहीं सकता देगा नहीं, दी नहीं दे नहीं सकता देगा नहीं, चूंकि इसमें इतनी समर्थता नहीं है कि हमें फुल सेटिस्फेक्शन दे सके, जहान में इतनी कैपेसिटी नहीं है। हम चाहते हैं फुल सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी क्या, जो बताते खुद में फुल हो, और इस दुनिया में फुल कौन है, भगवान की जात, वो है फुल आहा, जिसे आप कहती हैं प्रभु की फुल कृपा। जहान है भी वन फोर्थ, गीता जी के दसवें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार जहान क्या है, वन फोर्थ चौथाई, क्या मेरा एक शम्मा हुआ है अयां हिमाबूर है जिसके सारा जहां, भगवान के बोल साक्षी है। अर्जुन जी जो त्रिलोकी है ये सिर्फ मैंने अपनी चौथाई हिस्सा प्रकट किया है, तो ये तो इनकम्प्लीट हो गया, बिल्कुल मुझे संपूर्ण हुआ, अधूरा हुआ अधूरा, और अधूरे की कहानी तो आप सुनाई करती है, जागदा भाई जागदा कौन जागदा, जागदा भाई जागदा कौन जागदा, अधर भाई जागदा, अधर भाई जागदा, अधर भाई जागदा, जागदा भाई जागदा कौन जागदा, अधर भाई जागदा, हमेशा अधर ही हुआ करता है, अधर से बड़ा कहा पूरी शांति मिली, संसार तो अधर है, दुनिया वालों को जानना पड़ेगा, क्या खून के आंसू बहा के, क्या बार बार आजमा करके, देवर हैव टू रियलाइज, बड़ा कठोर अनुभव करके उन्हें जानना ही होगा कि जहान से आज तक किसी को पूरी तृप्ति न मिली, न मिलेगी, न मिल पाई है, न इसमें इतनी क्षमता है कि यह हमें फुल सेटिस्फेक्शन दे सके। तो फिर और जब तक नहीं फुल सेटिस्फेक्शन होगी, मन को चैन नहीं मिलना, मन को करार नहीं मिलना, मन खोया खोया रहेगा, खोया खोया रहेगा, तो जन्मता रहेगा मरता रहेगा, मरता रहेगा जन्मता रहेगा, ये बार बार जन्मेगा मरेगा। कुत्ता क्यों दर दर जा रहा है, ए वर्मा जी आपके घर में कुत्ता आया था, हाँ मैं रोटी डाली थी, फिर वो दूसरे घर में क्यों गया, क्योंकि अभी उससे पूरी तृप्ति नहीं हुई। एक ही जवाब आपके मुख से निकलेगा, एक ही जवाब निकलेगा वर्मा शर्मा,
कुत्ता आपके घर में आया था, शर्मा आया था, फिर वो देखो दूसरे घर में जा रहा है, पूरा पेट नहीं भरा। अगर आप अपने घर में बिठाकर 5, 6, 7, 8 फुलके डाल देते, आपके घर में सामने बैठकर पूछ हिलाता हुआ कहता शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हरी झंडी देता रहता, नो खतरा, नो खतरा, नो खतरा, नो खतरा, कितना प्रेम से बोलता अगर आप रजा देते। इसी तरह अगर हमारा जीव संसारी रूप में रच जाता, न जन्म होता न मरण होता, हमेशा मुक्त हो गया होता। और संसार कहते मेरे पास इतनी कैपेसिटी कोई नहीं। मैंने कहा शर्मा तू रजाया क्यों नहीं, कहां से रजाऊं, अपने पास इतना आटा ही कहां है, हैंड टू माउथ तो मैं हूं, आटा कहां है। एक भाई ने कुत्ता पाल रखा था, कुत्ता दुबला पतला था, तो एक जेंटलमैन गुजरा और कहा कुत्ता किसका है, भाई जी मैंने पाल रखा है, शर्म नहीं आती आपको, क्यों आपको, आपने पाला है और हड्डियां इसकी निकली हुई बिना एक्सरे के, सारा शरीर एक्सरे हुआ पड़ा है, क्या क्या करूं जी, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं श्री देव चाहता है तो थप्पड़ मारो, दो रख कर, क्यों थप्पड़ मारे, गुजर रहे हैं रास्ते में, बड़ा भारी पाप किया आपने, जब जीव को पा नहीं सकते तो क्यों कुत्ता रखा हुआ, उसके मुंह से बोल निकल गए, जो रोटी ना हो फालतू फालतू। अगर रोटी तेरे घर में फालतू नहीं है, जो रोटी ना हो फालतू फालतू, तो कुत्ता ना तू पालतू पालतू। जो रोटी ना हो घर में फालतू, याद रखो पुत्र, जो रोटी ना हो घर में फालतू, तो कुत्ता ना तू पालतू पालतू। पहले पालतू फिर पालतू, पालतू कुत्ता, फिर उस घर को तू, उस घर में कुत्ता पालतू क्यों रखता, जब रोटी ना हो घर में फालतू, तो कुत्ता ना तू पालतू पालतू। फिर पालतू कुत्ता पालने का मतलब क्या, जब रोटी ना हो घर में फालतू, फिर घर में पालना नहीं चाहिए ना। हाय, जब हमारे मन के अंदर हाँ इतनी गुंजाइश ही नहीं है, इतनी कामना को क्यों पालते फिरते, कौन जानेगा कब जानेगा, कौन जानेगा कब जानेगा, कहां जानेगा, जब घर में फालतू रोटी नहीं है, कुत्ता क्यों पाल के उसे मुर्दा बना रखा है, हड्डियां का मुट्ठा बना रखा, जब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्यों कामनों को हमने रोला रखा है, पिटा रखा है, उन्होंने हमें रोला रखा है, हमने उनको रोला रखा है। संसार है ही ऐसा, संसार को भगवान ने पूरा बनाया नहीं है, अधूरा है, इसलिए अपने मन में बिठा लो, मैं तो पूरे का चिंतन करूंगी, जिसको भगवान कहती है और जिस प्यारे भगवान के अनेक नाम है। हाँ, हमें बहुत मजा आता है राम और कृष्ण कहने में, भगवान के सहस्र नाम है, कभी पढ़ा आपने, विष्णु सहस्र, सहस्र कहते हैं हजार, भगवान के 1000 नाम है, भगवान के देख बिल्लो, भगवान के 1000 नाम है, तेरे कितने नाम है, मेरे 9 नाम है, तेरे 9 और भगवान के 1000 नाम है, विष्णु सहस्र नाम लीजिए और एक एक नाम पर जय जयकार कीजिए, उनमें है भगवान के 2 बड़े मीठे नाम लगते हैं, राम और कृष्ण, और चोटी के अवतार, इस त्रिलोकी में चोटी के अवतार राम और कृष्ण, रपकारी ना कि मैं तो उनको बसाऊंगा जो संपूर्ण है, जो परफेक्ट जात है इस खुदाई में या इस संसार में, हम उनको लेंगे, बस करो करो। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, करे जिस कदर, जो भी आप समझते हो कि मेरे लिए ऑब्लिगेटरी एक्शन है या मेरे कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म मेरे लिए मेरे जरूरी कर्म है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा, बस बात बन गई, बात बन गई, जो भी चाहते हैं आप करो, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, हाँ जो भी आप चाहते हैं, क्या घर में हमारे पास ये बिजली के कई पॉइंट है, घर में बिजली के खास कर मंदिर में तो बड़े पॉइंट है, हाँ अच्छा आपका आपके पास कई चीजें हैं, आपके पास एक है टेबल फैन, आपके पास एक है फ्रिज, आपके पास एक है कूलर, कई पॉइंट है, आपके पास यूनिवर्सल फैन भी है, हाँ इसके साथ एक श्रीमान जी लगी रहती है, वो 3 जो है उंगलियों वाले जिसे आप बोलते हैं प्लग, इन्हें बोलते बच्चे प्लग, जो इक्विपमेंट के साथ होती है उन्हें हम प्लग PLUG उन्हें हम प्लग कहेंगे, वो प्लग है, हाँ इनमें जान, ये कहती है तुम हमें जा भी रखो लेकिन साकेट के अंदर दबा के रखो। मेरा मन बड़ा जुम्बश में आया जब मेरी वार्तालाप इन इक्विपमेंट से हुई,
आपके पास रेडियो है, आपके पास हीटर है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास कूलर है, आपके पास और भी बहुत सी चीजें हैं, अपने बिजली के कई इक्विपमेंट बन चुके हैं घर के अंदर, सुने नहीं? हाँ, लेकिन ये प्लग कहता है मुझे साकेट में डाल के रखो, फिर देखो। एक बारी साकेट में डाल दे तेरी मेरी क्या, फिर मेरी चमत्कार देख ले, एक बार चमत्कार देख उसका, जरा उसको साकेट में डाल दे। इस तरह भगवान कहती है एक बारी अपने मन रूपी प्लग को मेरी जात में डाल दे और फिर अपना जीवन देख। चाहे मैं साधु रूप में हूँ, चाहे आप गृहस्थी रूप में है, चाहे आप नारी रूप में है, पति रूप में है, मां रूप में है, कोई भी आपका रूप हो, चाहे आप रेडियो है, वो आप फ्रिज है, या आप हीटर है, कैसे भी है, ना एक बार साकेट के अंदर लगा के, साकेट वो होती है जिससे हम हिला नहीं सकते, वो अपनी दीवार के साथ लगा हुआ है, दीवार के साथ सटा हुआ है, इंटेक्ट है, उसके अंदर हमें प्लग उसके अंदर देना पड़ता है, थ्री पिन वाला, थ्री पिन प्लग हमें उसमें देना पड़ता है, वहां गुंजाइश बनी होती है, उसमें लगा दीजिएगा। अब देखिए जरा कमाल, इस तरह भगवान कहती है करे जिस कदर उसमें लाजम है काम, मन रूपी प्लग मगर आसरा मुझ पे रखे मदा, इससे ज्यादा शायद न समझा पाऊंगा। फिर अब ऐसी अगर अवस्था हो, कभी मौत आ जाए, कहीं भी मौत आ जाए, कभी मौत आ जाए, कहीं भी मौत आ जाए, फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं जाए सुवे आसमा, ऐसे जी मेरी जात में समा जाएंगे, वो लौट के नहीं आएंगे, मकामे मुअल्ला मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। हा हा हा, कोई गवर्नमेंट का मुलाजम नौकरी में काम दे रहा, ड्यूटी दे रहा था, श्री छूट गया, कई वर्षों का उसे तनख्वाह मिलती है घरवालियों को, घरवाली को और बच्चों को, अगर ड्यूटी में शरीर छोड़ दे, हजारों रुपया दिया जाता है पिछलों को, हजार ड्यूटी में शरीर छूटा है, गवर्नमेंट जिम्मेवार है, शाबाश शाबाश शाबाश, गवर्नमेंट जिम्मेवार है, लाखों रुपया दिया जाता है। इसी तरह अगर हमारी वृत्ति भगवान में छूट जाए तो फिर भगवान कहते मैं जिम्मेवार हूं, मेरी जात में समा जा, महाराज जी की जात में समा जाओ, और अगर आप महाराज जी का ध्यान देके नहीं संसार का चिंतन करेंगे तो फिर तो भगवान ने कहा जन्म अहले किरदार में आके ले, या क्या कहा, क्या लटके रहे दरमिया, वो इस आकाश और धरती के बीच में बार बार जन्मेंगे मरेंगे, क्योंकि आपने लगाई थी लौ जिससे हासिल हो, आपकी वृत्ति कंचनकामी कीर्ति में थी। तो ये अर्जुन ने पूछा है प्रभु जब अंत समय आएगा जीव की गति क्या होगी, तो भगवान कहते गति वही होगी जिसकी जिसने पहले तैयारी की होगी, अगर उसने संसार में मन लगा रखा है, प्राणी पदार्थों में मन लगा रखा है, तो आएगा इनके अंदर जन्म लेके, और अगर उसकी किस्मत अच्छी है और इस नुक्ते को उससे पकड़ लिया और भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, तो महाराज जी की जात में हमेशा के लिए समा जाएगा, तो फिर वो लौट के ना आया। देख लीजिएगा दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक चूम लो, दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक चूम लो, मित्र क्या कहते हैं, दबे वापसी भी जो ये, दबे वापसी यथा शी छूट रहा जब, अरे मुन्नी गुसन्नी हाँ, दमे वापसी जब इससे वापस जा रहे हो, इस संसार को छोड़ रहे हो, फेयरवेल कर रहे हो, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण कहते मुक्ति, वो ना फिर आया, चूंकि उसकी कोई वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्यों आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा यहाँ पर, मुझे आप बाजारों में नहीं देखते, गलियों में देखते, मोहल्लों में देखते, कहीं नहीं देखते, क्या मेरे मतलब कुछ नहीं, मुझे ना कोई लेना ना देना, ना धी देनी है, ना आपकी नौ मैंने घर में रखनी है, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, मुझे क्या मतलब है, चक्कर काटता रहूं, परमात्मा ही कथा, मुझे तो ये भी शौक नहीं प्रचार करूं, ये तो परमात्मा करवा रहा है, प्रेरणा दे करके बैठे हैं, डट के आ जाओगे, सुना दोगे, नहीं दोगे तो बहुत वृत्ति अपनी मालक के चरणों में लगी रहेगी, हमें क्या पड़ी, हम तो नहीं घूमते, मुझे कई महात्मा पुरुष जाते क्यों नहीं, मेरी इच्छा ही कोई नहीं, हम तो बच्चे अपनी, ओहो क्या 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 क्या, ओ बच्चे हम तो अपनी मौज में रहती है, मर्जी बात आता करवाना है, तेरी मर्जी करवाई जा, तेरी मर्जी ना सही, आप पता अपने में मस्त है, हमें क्या पड़ी, आहा, इसलिए ये साधु आपको नजर नहीं आएगा कि नगर नगर की खाक छानता रहे, आप आइए सिर मत्थी, फिर मैं आपका दादा हूं, भगवान की वाणी सुना दूंगा, आइए 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 मेरे बेटे, बस ऐसे जीव अगर आप ले गई अंदाजा, ऐसे जीव का अगर अंदर का जीव निकलेगा कहां जाएगा, भगवान की सेवा कहां जाएगा, आप ये अनुमान लगा सकती हैं, बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस भगवान के भक्त का शरीर छूट जाएगा, हाँ इसकी वृत्ति कहां जाएगी, सूक्ष्म शरीर कहां जाएगा, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो, शरीर की रहती जब इधर नहीं उधर नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वास्ता नहीं, तलक नहीं, अपने आप में मस्त,
रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, पुकार जाएंगे लगाई थी लो जिससे आसो लोगो। आप भी अपने कटोरे भरे, आप ग्रस्ती भी है भरे, आप कहीं आपके मन का रहता है जी? अरे आपका मन का रहता है काका गागा गाए कवर्ग चवर्ग पवर्ग तवर्ग, कहा रहता है आपका मन? काका गागा गा चाचा चाचा ना दादा दादा ना, कहा रहता है आपका मन? यारा लावा बा, कहा रहता है आपका मन? अब आप अपने आप को देख लो, कहा रहता है आपका मन? जहां मन रहता है मन को देखना। हमने सारी शिक्षा तो मन को है, नाक कान आंख और मस्तक को नहीं है, सारी शिक्षा तो मन को है। ये जवाब भगवान जी ने अर्जुन के प्रश्न द्वारा हमें दिया है कि अंत समय में क्या होगा। अरे क्या डरता क्यों है? वही होगा जो तूने जिंदगी भर किया है, वही होगा। तो बड़ी लियाकत की बात है कि हम अपने संसार के कारण कौन है? भगवान। भगवान को याद रखे, बड़ी लियाकत की बात है, बड़ी लियाकत की बात। हमें सिर्फ अखीर में कहता हूं, हमें सिर्फ यही कहा जा रहा है, हाँ गहने को याद ना कर, गहनों को ऑर्नामेंट को याद ना कर, है मेरे मेरे कांटी आहा, मेरे झुमका आहा, ये और मेरे जो है कंगन और मेरी छाप, इनको याद ना कर। सिर्फ यही कहा जा रहा, कुछ नहीं कहा जा रहा। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि सिर्फ इतना कहा जा रहा कि इन भूषणों को याद ना करो, मेरे कंगन, मेरी छाप, मेरे छल्ला, मेरे कान का, मेरे नाक का, मेरे गले का नेकलेस, इनको याद ना कर। सीधे एक शब्द कहो, मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना, नाइदर मोर नॉर लेस। ए जी, ए नारी वर्ग, इनके नाम मना नहीं, ये सारे बने कहां से? सोने से। तो सोना रखो, मेरा सोना। बड़ा वो दादा है जो ये नहीं याद रखते, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बहुत, मेरे पोती देव, मेरे फलाना, इनके नहीं, ये गहने हैं, ये सोने हैं, ये गहने हैं, ये जेवर है। किसके? भगवान से। बड़ी लियाकत की बात है अगर हम गहनों को याद ना करके गहने किससे बने सोने को याद करें। बड़ी लियाकत की बात है जिस भगवान से ये बने अगर उसको याद रखा जाए तो। मेरे गुरु ने तो मेरे मन में ये रख के निहाल कर दिया और मैं गुरु के चरणों और भगवान के चरणों का बच्चा, यही राज की बात आपके मन में रख रहा हूं, कदर करना। बड़ी हिम्मत की बात है कि आप गहनों को याद ना करें जिससे गहने बने हैं सोने को याद करो। बड़ी हिम्मत की बात है कि जिससे ये शरीर बने हैं उस भगवान को याद रखा जाए। बड़ी हिम्मत की बात, बड़ी हिम्मत की बात। तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा, किस परमेश्वर को याद करूं? किया जिसने हस्ती का दरिया रवा, जिन्होंने ये सारे रचे हैं, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम, मैं उस भगवान की शरण ले रहा हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं उस भगवान की शरण ले रहा हूँ जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है। लो फिर अंत समय कभी भी आ जाए, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, ना उर्वार ना अध विचकार, दिए मेरिए परले पार, आहा, ना उड़वार ना अध विचकार, ऐ मेरे बेटे बुजुर्ग परले पार। और जो फिर इस तरह नहीं भगवान को याद करते वो ना है, ना पेके ना सावरे, ए दिए बोध मरी निनारवे, ना पेके ना सारवे, बोध मरी निनारवे, ना उड़वार ना पार, भैरा डूबिया अध विचकार। अब पूछ लो आपने आपको, अध विचकार के परले पार अगर मेरे भगवान को याद रखोगे तो परले पार, और अगर भगवान को नहीं याद रखोगे तो ना उड़वार ना पार, डुब्बे भैड़े अध विचकार। ओम शांति, हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।